हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई डॉट ओ पॉइंट जीरो पर। हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग मीन देख चुके हैं डायरेक्ट मेथड से। अब हम लोग मीन देखने वाले हैं अनुग्रुप डाटा का, ठीक है। तो डेविएशन का यूज़ करके मीन कैसे निकालेंगे और ग्रुप डाटा का भी डेविएशन का यूज़ करके मीन कैसे निकालेंगे, मतलब हम लोग क्लास 10th में जो ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसका मीन हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे निकालेंगे और साथ ही साथ सीखने वाले स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे निकालेंगे। लेकिन आइए हम लोग समझते हैं कि डेविएशन का यूज़ किया ही क्यों जाता है, ठीक है। एकदम डिटेल पढ़ते इस वीडियो में आपका ये पूरा टॉपिक डिटेल रहेगा। तो देखो, जैसे मान लो कि मन्नत एक क्लास में टेस्ट हुआ, मान लो 5 स्टूडेंट का टेस्ट हुआ। कितने स्टूडेंट का? 5 स्टूडेंट का टेस्ट हुआ। टोटल 10 नंबर का टेस्ट हुआ। कितने नंबर का? 10 नंबर। 10 नंबर में से किसी बच्चे ने मान लो 9 नंबर पाया, बात समझना सब। किसी बच्चे ने 9 नंबर पाया, किसी ने बच्चे ने मान लो 7 नंबर पाया, किसी बच्चे ने मान लो कितना 6 नंबर पाया, किसी बच्चे ने मान लो कितना 4 पाया, और किसी बच्चे ने मान लो कितना 8 नंबर भी पाया। और कितने बच्चों का टेस्ट हुआ था? 5 बच्चों का। 1 2 3 4 5 बच्चों का टेस्ट हुआ था, क्लियर है। तो मीन निकालने का जो हमारा तरीका होता है, सबको जोड़ करके हम 5 का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीन निकल ही जाएगा। अच्छा चलो निकाल ही लेते हैं। मान लो इसका मीन निकालना है तो 9 + 7 प्लस बोलो सब 6 + 4 प्लस बोलो 8। 5 स्टूडेंट हैं, 5 का क्या करेंगे बोलो? डिवाइड करेंगे। बोलो कितना आ जाएगा, जोड़ लो। 8 4 12 12 6 18 18 18 2 20 और 7 4 14 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अपान की कितना? 5 5 6 30 10 4 40 हो जाएगा। 5 8 40 मीन कितना निकल गया? 6.8। अगर मान लो ये डाटा बहुत बड़ा बड़ा होता, ये 5 डाटा है ना, ये मान लो डाटा बहुत बड़े बड़े होते और एक डाटा नहीं बल्कि मान लो कम से कम 15-20 डाटा दिया हुआ है, तो सबको जोड़ करके फिर डिवाइड करना, कैलकुलेशन बड़ा लेंदी नहीं होता? होता लेंदी। अब इसी को देखो आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे बोलो? एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखो इसका मीन निकालना होगा तो क्या करेंगे, किसी बीच वाले, किसी एक बीच वाले वैल्यू को हम लोग मान लेंगे कि वह एज्यूम्ड मीन है। तो 20 का मतलब जैसे कि 9 7 6 4 8 में कोई बीच वाली जो वैल्यू है लगभग क्या, इस 6 को, इस 6 को हम क्या मान लेंगे? कैपिटल ए। 6 को क्या मान लेंगे? कैपिटल ए। हमने मान लिया कि इसकी भाई 9 7 6 8 जो भी 4 है तो इसका जो एज्यूम्ड मीन है तो कोई 9 7 इन सबका बीच में क्या एक वैल्यू आएगी। एक मैंने क्या मान लिया? 6 मान लिया। एज्यूम्ड मीन कितना मान लिया? 6 मान लिया, समझ गए। अब इसका डिफरेंस हम सबके साथ निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब देखो, इस 9 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे। तो बोलो 9 में से आप क्या करोगे, 6 को माइनस करोगे, फिर 9 में से 7 को माइनस करोगे, और खुद 6 में से 6 को माइनस करोगे, फिर 4 में से 6 को माइनस करोगे, फिर 8 में से 6 को माइनस करोगे। बात मेरी समझ रहे हो? सुनो, सॉरी यहाँ पर मैं गलती लिख दिया, 7 माइनस कितना 6, मैंने गलत लिख दिया सॉरी। क्या करोगे कि इसका डिफरेंस, ठीक है, प्रत्येक के साथ निकालना, माने इसको घटाना है किसमें से, इन प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो बड़ा होगा तो बड़ा में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन छोटे में से बड़ा घटाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। बात समझे सर? तो हमेशा इसी को घटाना, किसमें से, इन प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से आपको क्या करना है, जो एज्यूम मीन माने बीच वाला ए 6 उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 9 में से क्या करना है, 6 माइनस कर दो, 7 में से 6 माइनस करोगे, 6 में से खुद 6 माइनस करोगे इसी में से, और 4 में से बोलो जो माने हो 6 माइनस करोगे, उस 8 में से 6 माइनस करोगे। तो 9 में से 6 जाएगा कितना बोलो? 3। 7 में से 6 जाएगा 1, और 6 में से 6 कितना 0, और 4 में से 6 माइनस 2, 8 में से 6 कितना, समझ गए ना। ये जो आप निकाले हो इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन, ध्यान देना, हाँ डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन, माने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से आप जो मीन माने हो
एज्यूम बीन जो माने हो बीच वाला कोई ए उसको आप माइनस कर दोगे तो इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं डेविएशन। तो आप क्या करिए बस इस डेविएशन का आप मीन निकाल दीजिए, डेविएशन का क्या करिए और डेविएशन को बच्चों हम लोग क्या बी आई से डिनोट करते हैं और डेविएशन का मीन को किससे डी पर बार, तो डी पर बार क्या होगा सिग्मा डी आई अपान के सिग्मा एफ आई होगा या चूंकि फ्रिक्वेंसी है ना सिंपल आप एन कर दो, क्या कर दो एन कर दो सिग्मा डी आई अपान के एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डी आई करोगे भाई सब क्या बोलो एक्स प्रत्येक जो डिफरेंस निकालो इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं डी आई बोलते हैं। तो पूरे डी आई को जोड़ करके जोड़ दोगे तो सिग्मा डी आई हो जाएगा और एन से डिवाइड कर दोगे क्या निकल जाएगा डेविएशन का मीन निकल जाएगा, क्या निकल बोलो डेविएशन का डिवीजन के मीन को डी पर बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फिर क्या करेंगे कि इस पूरे जो ओरिजिनल डाटा है इसका मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस क्या होता है डी पर बार, ए प्लस डी पर बार, डी पर बार मतलब डिवीजन का मीन एज्यूम मीन में क्या करोगे जोड़ दोगे ठीक है, तो किसका मीन निकल जाएगा इस ओरिजिनल डाटा का मीन निकल जाएगा और डी बार आपका प्लस भी आ सकता है और क्या आ सकता है माइनस भी आएगा, प्लस आएगा तो जुड़ जाएगा माइनस आएगा तो ए में से घट जाएगा। ए पर ये डी पर डी का बार क्यों जोड़े हैं मीन निकालने के लिए जो एज्यूम मीन है हाँ उसमें डी पर बार हम जोड़ेंगे डी पर बार अच्छा क्यों देखो मैं आपको इसको प्रूफ ही कर दे रहा हूँ प्रूफ कर दूँ फार्मूला तो बेटर हो जाएगा। देखो मान लो हमारे पास एक्स वन डाटा है एक्स टू डाटा है एक्स थ्री डाटा है ऐसे करके कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है एक्स एन डाटा है। अब हम क्या करेंगे बीच वाली किसी वैल्यू को बीच वाली मान लो एक्स के वैल्यू है मान लो बीच में कोई एक्स के वैल्यू होगा इस एक्स के वैल्यू को हम क्या लेट कर लेते हैं एज्यूम ए कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को हमने क्या है एज्यूम ए कर लिया। इस प्रत्येक डाटा का डिफरेंस क्या करेंगे इस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से निकालेंगे, मतलब हम क्या करना पड़ेगा हमको एक्स वन में से भी ए को माइनस करना पड़ेगा एक्स टू में से भी ए को माइनस करना पड़ेगा एक्स थ्री में से भी ए को माइनस करना पड़ेगा और यहाँ एक्स के में से एक्स की माइनस करोगे तो वो कितना हो जाएगा बोलो जीरो हो जाएगा। फिर वैसे करते करते क्या बोलो एक्स एन में से भी क्या करना पड़ेगा बोलो ए को माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आई इस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से क्या करिए जो हम एज्यूम्ड मीन माने थे कोई बीच वाला उसको क्या करेंगे बोलो माइनस कर देंगे। ये जो एक्स वन माइनस ए एक्स टू माइनस ए सब आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन मतलब डी आई क्या बोलेंगे डी आई प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का ठीक है प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से अगर आप एज्यूम मीन ए घटा दोगे उसको क्या बोलेंगे डी आई। अब देखो हमको क्या करना है मीन निकालना है, क्या करना है मीन निकालना है, पहले तुम तो डेविएशन का मीन निकालते हैं तो डेविएशन का मीन कैसे निकलेगा बोलो डी पर बार इक्वल टू सिग्मा डी आई अपान के एन करना होगा, इन्हें करना पड़ेगा भाई डिवीजन का मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा डी बार इज इक्वल टू सिग्मा डी आई अपन के एन करना पड़ेगा। अच्छा सिग्मा डी आई बोलो कैसे निकलेगा सिग्मा डी आई कैसे निकलेगा सबको जोड़ोगे ना अच्छा तो सिग्मा अच्छा डी आई का अगर हम जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे डी आई का जनरल फॉर्म एक्स आई माइनस ए लिखोगे एक्स वन का जगह वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा फोर हो जाएगा एक्स वन माइनस एक एक्स टू माइनस ए एक्स थ्री माइनस ए। तो इसका अगर डी आई का जनरल फॉर्म लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे एक्स आई माइनस ए वन लिखोगे इसका जगह क्या हो सकता है वन एक्स वन माइनस ए एक्स टू माइनस ए एक्स थ्री माइनस ए हो सकता है कि नहीं हो सकता और अपान के नीचे कितना एन ये किसका मीन निकल रहा है डेविएशन का मीन निकल रहा है। बात समझना सर डेविएशन का मीन निकल रहा है। अब सिग्मा का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे बोलो कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस सिग्मा ए और अपान के क्या एन एन का तो दोनों में डिवाइड होगा सिग्मा एक्स आई अपान के एन माइनस बोलो कितना हो जाएगा सिग्मा ए अपान के कितना एन ये किसके बराबर डी पर बार के बराबर। अब बात समझो डी पर बार है जानते हो सिग्मा एक्स आई अपान के एन क्या होता है जानते हो एक्स बार होता है भाई सिग्मा एक्स आई में क्या करोगे एन का डिवाइड कर दोगे क्या बताया था मीन हो जाएगा मीन का फार्मूला होता है देखो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डाटा है सबको जोड़ के एन का डिवाइड करोगे मतलब सिग्मा एक्स आई अपान के एन करोगे क्या निकल जाएगा एक्स पर बार हो जाएगा माइनस। देखो हाई कोई मीन है एज्यूम्ड क्या है मीन है और सिग्मा ए का मतलब कि जो मीन ए है वो कितनी बार जुड़ा है एन बार जुड़ा है ए प्लस ए अरे भाई इसको जोड़ोगे तो ए प्लस ए कितनी बार अगर एन बार जुड़ेगा तो सिग्मा ए कितना हो जाएगा एन इंटू ए सिग्मा ए जो होगा एन इंटू ए के बराबर होगा। जैसे देखो सिग्मा दो जानते हो कितना अगर सिग्मा दो है मान लो ए एन बार जुड़ा हुआ है तो टू इंटू क्या हो जाएगा बोलो एन हो जाएगा सिग्मा ए अगर वो एन बार जुड़ा है
तो एन इंटू क्या आ जाएगा बोलो, ए हो जाएगा। बात समझ रहे हो? देखो भाई इसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एन एन है, तो सिग्मा ए कितनी बार जुड़ेगा, एन बार, ए प्लस ए अगर एन बार जुड़ोगे तो एन इंटू ए हो जाएगा। अच्छा दोनों के अपन एन था, इसके भी अपन एन होगा, होगा कि नहीं, एन से एन कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा बोलो, डी पर बार इक्वल टू एक्स पर बार माइनस ए, हमको एक्स पर बार ना चाहिए, तो एक्स पर बार क्या हो जाएगा बोलो, ए इधर आ जाएगा, तो ए प्लस कितना बोलो, डी पर बार, वही तो मैं लिखा था, एक्स पर बार इक्वल ए प्लस डी पर बार, मैंने एक्स पर बार इक्वल बोलो कितना, ए प्लस डी पर बार। इसका मतलब कि अगर एज्यूम मीन मेथड से अगर मीन निकालना है तो जो भी एज्यूम मीन मानोगे ठीक है उसको ए लिख दो प्लस, बस डेविएशन का मीन निकालो, हमको ओरिजिनल डेटा का मीन नहीं निकालना पड़ेगा, बस तुम क्या करो डेविएशन का मीन निकालोगे, तो डेविएशन को जोड़ना बड़ा क्या होता है, आसान होता है, नहीं समझे भाई, ओरिजिनल डेटा को जोड़ोगे तो बहुत लंबा जाएगा ठीक है, लेकिन इस डेटा को जोड़ोगे तो क्या होगा, आसान होगा। तो डेविएशन का मीन निकालना क्या होता है, आसान होता है, बस उस डेविएशन के मीन में आप क्या जोड़ दो, एज्यूम मीन जोड़ दो, खड़ा देख क्या निकल जाएगा बोलो, मीन निकल जाएगा। बात समझे? बता मिल निकल जाएगा ना? ठीक है चलो आगे सर, एक्स बोलो क्या बोलो, डी बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए है, तो एक्स बार निकालोगे तो ए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस इधर कुछ नहीं सही है तो प्लस है ना जी, तो ये माइनस है। अरे भाई देखो ना, एक्स बार माइनस ए है, इस ए को इधर करोगे तो प्लस ए हो जाएगा, इधर डी पर बार है ही तो उसको मैंने प्लस डी पर बार लिख दिया, बराबर कितने एक्स पर बार के, एक्स बार को पहले लिख दिया। अच्छा सुनो ना, नहीं समझ में आता, एक्स बार माइनस ए को तुम पहले करो, डी पर बार लिख सकते हो, अब इसको तुम पहले करो इसको बाद में लिखो, वो दिक्कत। अब एक्स पर बार निकालोगे क्या होगा बताओ, ए माइनस ए राइट साइड जाएगा क्या होगा बोलो, प्लस ना होगा, है डी पर बार पॉजिटिव है ना जी, देखो वो ए पर प्लस डी पर बार, समझ गए। और इस डेविएशन का मीन पॉजिटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है कुछ नहीं, लेकिन छप के इर्द गिर्द होगा, नहीं समझिए, डी पर बार अगर पॉजिटिव है तो छप में जुड़ जाएगा जो माने हो, नेगेटिव आएगा तो छमे से घट जाएगा। ऐसे वर्टिकली मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टली ऐसे एज्यूम करेंगे, हाँ बीच में कोई बीच वाली वैल्यू, नहीं समझे, कोई बीच वाली वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ताकि इसके साथ कुछ का डिफरेंस निकाले तो पॉजिटिव आ जाए, कुछ का डिफरेंस निकाले तो नेगेटिव आ जाए, ऐसे कोई बीच वाली वैल्यू को चुनाव करेंगे, समझ गए ना, ठीक है, बिना कि इसको नहीं, इसका मानने से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, कोई बीच वाली वैल्यू जो इससे कुछ बड़ी हो, इससे कुछ क्या हो, छोटी हो, किसी बीच वाले को आप क्या करोगे, ए मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस डिफरेंस से निकालना है। अब देखो इस डेविएशन का मीन निकालना आसान है, कैसे बोलो, डी पर बार वैसे क्या होगा, डी पर बार तीन एक चार, चार दो छः, छः में से दो गया चार, सिग्मा डी आई बोलो कितना होगा, डी पर बार सिग्मा डी आई कितना आ गया, चार आ गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, पाँच है, डिवाइड करोगे दशमलव पाँच अट्ठे चालीस कितना आ गया, आठ आ जाएगा, तो दशमलव आठ क्या आ गया, डी पर बार, और मीन क्या होता बोलो, ए प्लस डी पर बार तो होता है, ए का मान कितना माने वो छः, और डी पर बार का मान कितना, दशमलव आठ, जुड़ जाएगा छः दशमलव आठ, पहले कितना आया था छः दशमलव आठ, लेकिन आपको क्या करना पड़ा, इन सबको जोड़ना पड़ा, तो चौंतीस जोड़ना पड़ा, लंबा डाट चौंतीस आया, फिर पाँच को डिवाइड करिए छः दशमलव आठ, लेकिन यहाँ पर जोड़े हम कितना है, मात्र कितना आया था, चार आया था, इस जोड़ने पर क्या है डिफरेंस को, चार आया था, पाँच का डिवाइड किए कितना दशमलव आठ, बस आपको छः में दशमलव आठ जोड़ देना है। अगर मान लीजिए डाटा बड़ा बड़ा होता तो कैलकुलेशन बहुत लंबा ना जाता जी, सोचो लंबा जाता, उसके लिए क्या यूज़ किया गया, डेविएशन मेथड, इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालना। लेकिन किसके लिए था ये, अनग्रुप डाटा के लिए, किसके लिए था, अनग्रुप डाटा, क्लास टेंथ पे क्या है, ग्रुप डाटा के लिए मीन, उसको भी पहले फॉर्मूला डिराइव करा दूँ, फॉर्मूला पहले डिराइव करा दे रहा ना, फिर हम लोग पढ़ते हैं ठीक है। तो जब ग्रुप डाटा के लिए देगा तो सबको पता है कि एफ आई एक्स आई भी आएगा उसमें ठीक है। तो सुनो, जैसे मान लो उसमें क्या होगा कि x1 वाले में से xi वाले में से किसी को क्या मानोगे, बीच में से a मान लोगे, बीच में क्या करोगे, a मानोगे। तो प्रत्येक देखो मान लो हमारे पास xi की टेबल बनी हुई है, क्या बनी है बोलो, xi की टेबल बनी हुई है, तो उसमें x1 x2 x3 ऐसे करके डाटा होंगे बोलो क्या, x1 x2 x3 डाटा बोलो क्या, ऐसे डाटा होंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी भी होगी, नहीं समझे, f1 f2 f3 फ्रिक्वेंसी होगी, तो किसी बीच वाली वैल्यू को मान लो एक्स के किसी बीच वाली वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, ए मान लेंगे, क्या मानेंगे, ए मानेंगे। और एक टेबल बनाएंगे हम लोग डेविएशन की, क्या बनाएंगे, डेविएशन। अच्छा डेविएशन निकलता कैसे है, एक्स आई माइनस ए करने से, नहीं समझे क्या, प्रत्येक एक्स आई में से आप ए को माइनस करोगे किसकी टेबल बन जाएगी बोलो, डेविएशन की टेबल बन जाएगी,
बात समझे कि ना, एक्स आई माइनस ए करने से डिवाइसिंग टेबल बन जाएगी। अच्छा फिर हम लोग एक टेबल बनाएंगे किसका, एफ आई और एक्स आई का। एफ आई में क्या करेंगे, एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई से डिवाइड करेंगे तो मीन निकल जाएगा। अच्छा सुनो एक मिनट, जैसे आपने ए क्या निकाला बोलो, डेविएशन, क्या निकाला, डेविएशन। अब डेविएशन का मीन निकालने के लिए हमको एफ आई और किसकी जानते हो, डी आई की टेबल बनानी पड़ेगी, किसकी, एफ आई और डेविएशन का ही तो मीन निकालना है। तो हाई किसका, एक्स वन डाटा इसमें दिया होगा, क्लास इंटरवल की मदद से एक्स वन निकाल सकते हो, निकल जाएगा, फ्रिक्वेंसी दिया ही रहेगा। तो आप एक टेबल किसकी बनाओगे, डी आई की। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, ए क्या है, एजुम्ड मीन है। इसको किस में से मानते हैं, एक्स आई वाले टेबल में से किसी बीच वाले को क्या मान लोगे आप, ए मान लोगे, डी आई निकल जाएगा। जब डी आई निकल जाएगा तो एफ आई में डी आई को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इसके समेशन को जोड़ दोगे तो सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। और डेविएशन का मीन निकालना होगा, डेविएशन का मीन निकालना होगा तो सिग्मा एफ आई क्या बोलो, डी आई अपन के सिग्मा क्या करना पड़ेगा, एफ आई, डेविएशन का मीन निकल जाएगा। और ओरिजिनल डेटा का मीन निकालने के लिए सबको पता है कि ए में क्या करोगे, डेविएशन का मीन जोड़ दोगे। तो ए में जब डेविएशन का मीन जोड़ोगे तो डी बार कितना होगा बोलो, सिग्मा एफ आई डी आई अपन के बोलो कितना, सिग्मा एफ आई, ये क्या हो गया बोलो, एक्स बार। यही एक्स बार का फॉर्मूला होता है, एक्स बार इसको बोलो कितना, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन के सिग्मा एफ आई। इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, सुनो। जैसे देखो हमारा पहले डेविएशन का मीन कैसे निकलेगा बोलो, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा सिग्मा डेविएशन का बोलो कितना, एफ आई इंटू कितना, डी आई। डेविएशन का मीन निकालोगे तो एफ आई डी आई में क्या करोगे, सिग्मा एफ आई का डिवाइड करोगे। अच्छा बोलो सिग्मा एफ आई रहने दो, डी आई कैसे निकलता है, डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए करने से। तो एक्स आई माइनस ए कर दोगे तो क्या निकल जाएगा बोलो, डी आई। तो डी आई की जगह क्या लिख दिया बोलो, एक्स आई माइनस ए लिख दिया, होला पानी के सिग्मा एफ आई किसके बराबर, डी पर बार के बराबर। बोलो डी पर बार कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो अंदर तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा माइनस बोलो कितना, ए इंटू सिग्मा एफ आई। इस सिग्मा एफ आई का दोनों डिवाइड होगा तो सिग्मा एफ आई का इसमें भी डिवाइड करोगे आप, और सिग्मा एफ आई का बोलो कितना इसमें भी डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत। देखो ए है इंटू कितना, सिग्मा एफ आई हो गया, अपान के कितना, सिग्मा एफ आई हो गया। अच्छा सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कट जाएगा, सेम चीज़ आ गया, ये कट जाएगा। तो नीचे क्या, डी पर बार आने दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान के सिग्मा एफ आई को क्या लिखोगे बोलो, एक्स पर बार लिखोगे, एक्स पर बार माइनस यहाँ क्या बचा, ए, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिखो बाद में। तो एक्स पर बार माइनस ए इसको बोलो कितना, डी पर बार, या एक्स पर बार निकालोगे तो माइनस ए जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ए इधर प्लस डी, यही भी है डी पर बार। और डी पर बार निकलता कैसे, डी पर बार निकलता कैसे है बोलो, ए प्लस सिग्मा एफ आई और कितना, डी आई अपन के बोलो सिग्मा एफ आई। यही बेटा एज्यूम मीन मेथड का क्या होता है फार्मूला, एज्यूम्ड बोलो मीन मेथड से ऐसे ही क्या निकाला जाता है बोलो, मीन ही निकाला जाता है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा तो समझ में आ जाएगा, इसको क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। आओ एक निकाल लेते हैं एज्यूमिंग मेथड से, ठीक है। मीन देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो बेटा इसी में समझा तो चलेगा। देखो वेट दिया इन केजी में, क्या दिया, वेट केजी में, दिख रहा है, ठीक है, वेट केजी में दिया है, 50 से 52 ऐसे करके दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे करके दिया हुआ है, कोई दिक्कत। क्लास इंटरवल आप ऐसे लिख लोगे फ्रीक्वेंसी इसकी ऐसे लिख लोगे, क्लास मार्क कैसे निकालोगे, क्लास मार्क ये दोनों को जोड़ करके टू से डिवाइड करोगे तो क्लास मार्क एक्स आई निकल जाएगा। डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो एक्स आई वाले में से किसी बीच वाले को ए मान लेंगे, ऊपर 3 है नीचे 3 छोड़ दो, तो ए को हमने क्या मान लिया बोलो, ए को हमने 50 बीच वाला मान लोगे। एक्स आई वाले में से बेटा किसी एक को क्या करोगे, बीच वाले को ए मान लोगे, ऊपर से 3 छोड़ के नीचे से 3 छोड़ करके बीच वाला क्या पड़ेगा, 57 ही तो पड़ेगा, उसको आप क्या मान लोगे, ए मान लोगे। इसमें कितना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 है, बीच वाला क्या पड़ेगा, 7 + 1 8/2 मीडियन इसका 4 रन होगा, चौथा टर्म इससे मीडियन टर्म मिडिल टर्म होगा, तो 57 क्या होगा मीडियन। अगर मान लो 8 होता तो 8 का आधा 4, या तुम चौथे वाले को ही मानो या पांचवें वाले को ही मानो कोई दिक्कत नहीं है। 7 है
तीन ऊपर से छोड़ दो, तीन नीचे छोड़ दो, बीच वाला ए मान लो, आठ है तो क्या करोगे, आठ का आधा चार, तुम चौथे वाले को क्या करो ए मान लो, या पांचों को भी ए मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो हमने 57 को क्या मान लिया, बोलो ए मान लिया। तो एक्स आई वाले में से ही किसी बीच वाले को क्या मानना है, ए मानना, इसी ए को क्या बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। हमने मान लिया इन सभी डाटा के एज्यूम्ड कितना है 57, जो भी मीन होगा 57 के इर्द गिर्द ही होगा। अब एग्जैक्ट क्या होगा फॉर्मूले पे लगेगा, समझ गए ना। अब हम क्या निकालेंगे, बोलो डेविएशन, क्या निकालेंगे डेविएशन। कैसे निकलता है डेविएशन डी आई, एक्स आई माइनस ए से, प्रत्येक एक्स आई को एक्स आई में से ए को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू कितनी है 51, 51 में से माइनस करोगे किसको 57 को, तो माइनस आएगा, माइनस का 6। यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू बोलो कितनी 53 है, अब ए मतलब 57 माइनस करोगे कितना माइनस का 4। एक्स आई की वैल्यू कितना 55 है, 57 माइनस करोगे कितना बोलो माइनस का 2। इसमें एक्स आई की वैल्यू कितनी 57 ही है और ए भी कितना है 57 ही है, कितना जाएगा 0। अब 59 में से 57 माइनस करोगे प्लस का 2, 61 में से 57 माइनस करोगे प्लस का 4, और 63 में से 57 माइनस करोगे प्लस का 6 है। कोई दिक्कत, निकाल लोगे डी आई कैसे निकालोगे, एक्स आई माइनस ए से, ए क्या होता है एज्यूमिंग, किस में मानते हैं एक्स आई वाले में से किसी बीच वाले वैल्यू को क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। तो प्रत्येक एक्स आई में से आप ए को क्या कर दोगे बोलो माइनस कर दोगे, तो ये क्या निकल जाएगा बोलो डेविएशन। अब हमको डेविएशन का मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, एफ आई में डी आई का मल्टीप्लाई करना होगा, फ्रीक्वेंसी भी तो है। सर यहाँ पे इस कॉलम में देख रहे हैं ये प्लस टू हो रहा है, तो मतलब एक मतलब ऐसे तीन निकाल कर हम प्लस टू मतलब जैसे कर सकते हैं, जो हो गया ना जीरो, दो चार छः आएगा, ठीक है। हाँ एफ आई डी आई तो 18 6 108 माइनस 108 21 चौके माइनस 84 17 दुना के माइनस 34 28 00 16 दुना के 32 35 चौके 140 और 15 6 90। अब इन सबको जोड़ लेना, तो नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव, देखो मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ ना, तो सब कुछ देखो जोड़ोगे ना, देखो 4 4 8 8 8 16 8 3 11 11 1 12 और 1 126 माइनस का 126, नहीं नहीं गलत कर दिया, 4 4 8 8 8 16 6 हाथ में लगा कितना 1, 8 3 11 11 1 12 2 हाथ में लगा 1 1 और 1 2 माइनस 226। हाई जोड़ो सब, तो कितना 2 2 हो जाएगा, भाई कितना बोलो 4 3 7 4 3 9 7 16 6 हाथ में लगा 1 और 1 1 2 262। ये माइनस 226 है, हाई प्लस क्या 262 आ रहा है, तो 262 में से क्या करोगे 226 माइनस करोगे, बोलो 12 में से 6 गया 6, 5 में से 2 गया 3, प्लस का 36 आ जाएगा, चूँकि प्लस है ये माइनस है, प्लस में से माइनस घटाओगे कितना प्लस का 36, 36 क्या आ गया सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना होगा प्लस का 36 दिया ना। अब मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, तो मीन निकालने क्या फॉर्मूला बोलो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान के सिग्मा एफ आई। ये क्या असल में डेविएशन का मीन ही था, ए में हम डेविएशन का मीन जोड़ रहे हैं, डी बार जोड़ रहे हैं, और ये कितना माने थे 57, और सिग्मा एफ आई डी आई कितना बोलो 36, और सिग्मा एफ आई कितना दिया, सिग्मा एफ आई कितना दिया 150 150 है, सिग्मा एफ आई कितना 150 है। अब 150 का हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड, देखो काटो 3 एकम 3 3 6 3 5 15 0 काटो 2 से 2 6 12 2 से काटोगे 25, तो 6 में जब 25 का डिवाइड करोगे तो 10 में बढ़ाओगे कितना 0, तो 25 दूनी के 50 कितना बचा 10 0 25 चौके 100, इसका मतलब 57 दशमलव प्लस ना है प्लस है कितना 0.24, 6 में 25 का डिवाइड करोगे 10.24 जोड़ दोगे तो 57.24, ये क्या आ गया बोलो मीन आ गया, देखो मीन आ गया 57.24 क्या आ गया बोलो मीन आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मीन मेथड, समझ गया स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन इसको स्टेप डेविएशन नहीं जी, एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, स्टेप डेविएशन आगे मैं बताऊंगा किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या करना बोलो मीन निकालना, आगे क्लियर। इसमें सर मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हाँ तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसमें भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो वैसे ही जैसे निकाल रहे थे हम लोग, ठीक है क्वेश्चन बन सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी बनेगा, समझिए ना। तो सबसे बच्चा पढ़िया कि मीन वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी तुम डायरेक्ट मेथड से लगाओ बेटर होगा, तो
लंबा तो जाएगा लेकिन बेटर होगा, ठीक है। हाँ समझ गए ना फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा फाई डी अपॉन के सिग्मा एफ आई। कौन सा फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, किस मेथड से? स्टेप डेविएशन नहीं, सॉरी जी, एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड से भी देख लेते हैं एक, ठीक है। देखो उसके लिए देखो जानते हो क्या करते हैं, फॉर्मूला मैं डेराइव कर दे रहा हूँ और उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे देख लो। डेराइव कर दे, जैसे उसमें क्या होता है कि इसमें जो डी आई निकालते थे ना उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, यू आई, क्या निकालते हैं यू आई। यू आई जानते कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए अपान के एच, एच जानते क्लास साइज होती है, अपर में से लोअर को घटाते हैं, क्लास साइज या विड्थ ऑफ द क्लास या लेंथ ऑफ द क्लास होती है। अब हम क्या करेंगे एफ आई में फिर यू आई का मल्टीप्लाई, इसमें एफ आई में डी आई की मल्टीप्लाई करते थे, इसमें एफ आई में यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मीन निकालेंगे यू पर बार, माने एक्स बार जो होगा असल में ए प्लस यू पर बार होगा, क्या होगा ए प्लस यू पर बार होगा। और निकाल लेते हैं तो यू पर बार जानते हो कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान के सिग्मा बोलो क्या एफ आई, जो हमारे सिग्मा एफ आई डी आई करते थे ना, अब क्या करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई करेंगे। अब बोलो सिग्मा एफ आई यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई में से ए माइनस करोगे, एच का क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे और छोटा बन जाएगा अपान के सिग्मा एफ आई। अच्छा एच है ना, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं एच, हम क्या कर लेते हैं कामन निकाल लेते हैं, नहीं समझे, अरे हो डेविएशन का डी भी लिख सकते हैं, डी पर बार, डी पर बार लिख सकते हैं, लेकिन डी पर बार नहीं लिख रहा हूँ, बस पहले देखो सिग्मा क्या हो जाएगा एक्स आई, सिग्मा का मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा एक्स एफ आई एक्स आई ना जी, एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू कितना, सिग्मा एफ आई इंटू ए होगा ना, ए होगा। अच्छा एच है, देखो क्या है एच है, इस एच को हमने क्या कर लिया बोलो, इधर एच को मैं सॉरी वन अपन एच में क्या कर ले रहा हूँ कामन। अरे देखो सिग्मा एफ आई है, इसका डिवाइड इसमें भी होगा और इसका डिवाइड बोलो इसमें भी होगा, भाई सिग्मा एफ आई है मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा माइनस सिग्मा एफ आई इंटू ए होगा अपन के, ये एफ आई है सिग्मा एफ आई, इसका डिवाइड इसमें भी होगा और इसका डिवाइड सिग्मा एफ आई का दूसरे में भी होगा। हमने एच दोनों के टर्म में एच था तो हमने एच क्या कर लिया कामन, मल्टीप्लाई करोगे इसके भी अपन एच हो जाएगा इसके भी अपन एच हो जाएगा, लेकिन हमने क्या कर लिया एच को कामन कर लिया। बोलो यू पर बार कितना हो जाएगा, बोलो यू पर बार सुनो वन अपन एच रहने दो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन के सिग्मा एफ आई को जानते क्या लिखोगे एक्स पर बार माइनस देखो सिग्मा एफ आई इंटू ए है तो सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का ए बचेगा। अरे देखो एच का मल्टीप्लाई हो जाएगा यू बार में तो एच इंटू कितना यू पर बार किसके बराबर एक्स बार माइनस ए, इसको पहले लिख लो इसको बाद में, तो एक्स बार माइनस ए को पहले लिख लिया एच इंटू यू पर बार को बाद में, तो एक्स बार निकालोगे तो माइनस ए जाएगा राइट साइड क्या हो जाएगा बोलो प्लस ए प्लस एच इंटू यू पर बार, तो ए प्लस एच इंटू यू पर बार कैसे निकालोगे सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपान की बोलो क्या सिग्मा एफ आई, ठीक है एक्स पर बार। यही बेटा स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या बोलो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस बस इससे एच हो जाएगा एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपान के सिग्मा एफ आई। पहले क्या होता था एच नहीं होता था, सिग्मा एफ आई डी आई अपान के क्या होता था सिग्मा एफ आई होता था, इसमें बस एफ आई यू आई हो जाएगा अपान के एफ आई होगा, जब यू आई होगा तो एच क्या क्या हो जाएगा मल्टी, समझ गए। जैसे क्वेश्चन देख लो क्लियर हो जाएगा, जैसे देखो इसी का मीन निकालना है, देखो कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है स्टेप डेविएशन मेथड हम क्लास दिया ही है, फ्रीक्वेंसी एफ आई दिया ही है, हम एक मिड वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे लोअर और अपर जोड़ के दो का बोलो दो को डिवाइड कर देंगे एक्स आई निकल जाएगा, और एक्स आई वाले में से किसी बीच को ए मान लेंगे, का डाटा देखो एक दो तीन चार पाँच छः छः डाटा है तो छक्का आधा तीन, तीसरे को या ए मान लो या तो चौथे को ए मान लो, इसमें किस किसको माना है तीसरे को माना है दिक्कत, इसमें इसने क्या मान लिया बोलो तीसरे वाले को ए मान लिया कोई दिक्कत, आप चौथे को भी ए मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी तीसरे को मान लो कोई दिक्कत, एक मान कितना 125। अब क्या निकालोगे यू आई, यू आई कैसे निकलेगा एक्स आई में से ए माइनस करोगे और एच का डिवाइड एच क्या है क्लास साइज 50 में से
जीरो जाएगा 50, 100 में से 50 जाएगा 50, 150 में से 100 जाएगा 50, एच क्या है, क्लास साइज है, अपर माइनस लोअर लिमिट कर दोगे तो एच निकल जाएगा। तो एक्स आई माइनस ए करोगे, देखो इसमें एक्स आई की वैल्यू कितनी है बोलो, 25 है, माइनस माइनस ए की वैल्यू कितनी, 125, और अपान के एच कितना है, 50 में से 0 जाएगा, एच कितना बोलो 50 है। हल करो, ऊपर कितना, माइनस 100, नीचे कितना है 50, माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस 2, नहीं समझे, एच का डिवाइड नहीं करते तब तो एज्यूम मीन मेथड से मीन हो जाता, डी आई हो जाता है, एक्स आई माइनस ए क्या हो जाता है, डी आई, डी आई कितना आता है, माइनस 100 आता है, लेकिन डिवाइड कर देने से क्या हो गया, और कैलकुलेशन छोटा हो गया, माइनस 2 हो गया। अब इसमें माइनस 1 कैसे आया बोलो, एक्स आई का मान कितना है 75 है, 75 एक्स आई में से क्या करना है, ए माइनस करना है, ए कहाँ पर दिया देखो, ए 125, किसके डिवाइड करोगे, एच, क्लास साइज कितनी है, क्लास साइज 50 है, तो 125 में से 75 जाएगा बोलो, माइनस 50, 5 में से 5 0, 12 में से 7, 7 5 12, माइनस 50, अब पानी के नीचे क्या 50 ही है, काटोगे कितना, माइनस, समझ गए, यहाँ पे 125 है एक्स आई, और ए भी कितना 125 है माने हो, 125 माइनस 125 जीरो, अपान के 50 करोगे तो जीरो ही तो आएगा, 175 में से 125 घटाओगे प्लस 50, 50 में 50 का डिवाइड करोगे 1, कैसे निकल रहा पता चल रहा है, तो 125 में से घटाओगे 125 निकलेगा 100, 100 में 50 का डिवाइड करोगे कितना 2, 275 में घटाओगे 125 को तो होगा आपका 300, 300 होगा, नहीं नहीं कितना होगा, 150 होगा, 275 में से 125 घटाओ 150 जी, 150 होगा, 50 का डिवाइड कर दोगे एच का तो कितना आ जाएगा बोलो 3, तो यू आई निकालने आ गया, प्रत्येक एक्स आई में से ए को माइनस कर दोगे और क्लास साइज से डिवाइड कर दोगे क्या निकल जाएगा बोलो, यू आई। अब एफ आई का यू आई में क्या करेंगे बोलो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो एफ आई इंटू बोलो कितना, यू आई, एफ आई इंटू यू आई, तो 17 माइनस 2 माइनस 34, 35 माइनस 1 माइनस 35, सब मल्टीप्लाई कर लेना, एफ आई में यू आई को मल्टीप्लाई कर लेना और सबको जोड़ लेना, तो प्लस वाले को प्लस में जोड़ना, माइनस वाले को माइनस में, हाई सब प्लस वाला है 154 आ जाएगा, हाई माइनस वाला कितना 69 हो जाएगा, घटाओगे तो प्लस का क्या आएगा 85, बस अब मीन का फॉर्मूला लिख दोगे, बोलो मीन का फॉर्मूला क्या, इधर मीन का फॉर्मूला क्या, एक्स पर बार इसकल टू बोलो ए प्लस एच इंटू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपान के, बोलो बेटा चलो एक मान बोलो कितना 125, एच कितना 50 गुड़े सिग्मा एफ आई यू आई कितना 85 बटा के सिग्मा एफ आई कितना 180 है, 180 है, नहीं समझे, डिवाइड कर दो हल कर दो 180 है तो जीरो से जीरो क्या हो गया कट जाएगा 18 है ना, 18 है तो बोलो कितना हो जाएगा 125 है प्लस 18 का मतलब 8 पन 13 नहीं कटेगा 5 पचे 25 और 5 बटे 40 और 2 42 बटा के कितना 18 डिवाइड कर दो 425 में 18 डिवाइड करो दोस्तों को 2 प्लस 18 दुना के 36, 36 कितना 12 में से 6 गया 6 कटा 65 18 दुनी को 36 18 चौवन 18 चौक 72 नहीं 18 तीन 54 कितना 5 में से 4 गया 1 6 में से 11 10.0 18 95 18 छक्का 108 18 छक्का 108 ना जी 23.6 छोड़ दो हटाओ 125 और प्लस 23.6 जोड़ दो 10.6 तो रहा करेगा 5 3 8 2 2 4 148.6 डेसिमल के एक पैसे से निकाला हूँ आप और आगे जा सकते हैं ठीक है तो इसमें देखो 148.6 दो प्लेस से एक जेबे करेगा इसके आगे देखो ना कितना हो जाएगा इसके कितना बचेगा 18.108 दो बचेगा जीरो 18 एक कम 18 नहीं समझे तो 148.61 समझ गए आ गया तो इसको बोलते हैं बेटा स्टेप डिविजन मेथड से मीन निकाला यू आई निकालेंगे यू आई कैसे निकल रहा था बताओ एक्स आई में से ए अपान के एच एक्स आई निकल जाएगा एक्स आई निकल जाएगा तो फिर किसकी टेबल बनाएंगे एफ आ सॉरी यू आई की ना यू आई एक्स आई माइनस अपान के एच यू आई निकल जाएगा तो एफ आई में यू आई का क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो फिर उसको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई यू आई निकल जाएगा बस ये फॉर्मूला लगा देना है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपान के सिग्मा
एक किसमें से मानना है हमेशा एक्स आई में से किसी बीच वाले को, फिर वाई की टेबल बनानी है, एक्स आई माइनस से अपन कैच कर देना, वाई निकल जाएगा, एफ आई में वाई को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, सिग्मा फाई वाई निकल जाएगा, इसी फॉर्मूले में रख देंगे, क्या निकल जाएगा बोलो, मीन निकल जाएगा, कर लोगे सब। अब भाई देखो, जानते हो ए लेस देन 10 दिया, असल में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया है, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है लेस देन 10 वाले में। देखो लेस देन 10 है ना, इसको मैं लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लगाया हुआ, देखो लेस देन 10 में फ्रिक्वेंसी कितना है, 14। लेस देन 20 का मतलब समझ रहे हो ना, 10 और 20 दोनों का समेशन यहाँ पर 22 दिया है। मुझे 0 10 से 20 वाले क्लास का फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, लेस देन 20 मतलब 0 से 10 और 10 से 20 दोनों फ्रिक्वेंसी का समेशन यहाँ पर टोटल 22 दिया हुआ है, तो मैं 22 में से पहले वाले का क्या करूँगा, फ्रिक्वेंसी घटा दूंगा, किसका फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा, इस वाले क्लास का निकल जाएगा, तो 10 से 20 वाले क्लास का फ्रिक्वेंसी कितना, 8, कैसे पता चलेगा, 22 में से 8 क्या, 14 क्या करो, माइनस कर दोगे, 8 आ जाएगा। लेस देन 30 का मतलब समझ रहे हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इन तीनों का समेशन का फ्रिक्वेंसी क्या दिया हुआ, 37 दिया, बस मुझे इसी क्लास का मतलब 10 20 से 30 वाले की फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अब 20 से कम मतलब हाई, जानते हो 22 क्या है, इन दोनों क्लास की फ्रिक्वेंसी का समेशन कितना दिया है, 22। हाई 37 क्या दिया, इन तीनों क्लास की फ्रिक्वेंसी का समेशन कितना दिया है, 37। तो दो क्लास की फ्रिक्वेंसी का समेशन अगर इसमें से घटा देंगे क्या तीसरे का निकल जाएगा, समझे ना, करना कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस कर दो, 14 तो रहे करेगा इसका, इसमें से इसको माइनस कर दोगे 8 हो जाएगा, 37 में से 22 को माइनस कर दोगे कितना, 58 में से 37 माइनस कर दोगे 21, और 67 में से 58 माइनस कर दोगे 9, और 75 में से पिछला 67 माइनस कर दोगे, इस 50 से 60 की फ्रिक्वेंसी कितनी निकल जाएगी, 8। तो असल में ये क्या दिया है, ये लेस देन 10 का मतलब ये सब पूरा CF दिया, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया है, संचयी बारंबारता, माने कि योग दिया है, ये लेस देन 20 का मतलब दोनों क्लास का समेशन दिया हुआ 22, फ्रिक्वेंसी का समेशन 22, 37 का मतलब लेस देन 30 में जितने भी आ रहे हैं मार्क्स उन सबका 37 दिया हुआ, माने 30 से कम पाने वाले सभी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल 37 है क्या, 22, 20 20 से कम पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, 30 से कम आने वालों की संख्या है, मैं क्या करूँगा, 20 से कम वाले को घटा दूंगा, किसका निकल जाएगा, 20 से 30 वाले क्लास का फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा, कितने बच्चे हैं, समझो ना, तो जब ऐसे दे लेस देन करके दे तो उसको क्लास में बदलोगे, हर एक क्लास की फ्रिक्वेंसी निकाल लोगे, अब मीन निकल जाएगा, नहीं समझे, अब मीन क्या हो जाएगा, कैसे इसको हम लगाएं, स्टेप डेविएशन से, बोलो इसको हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसको मीन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, बोलो क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन से हमको टेबल बनानी पड़ेगी ना जी, किसकी, क्लास की, एक टू फ्रिक्वेंसी की, एक्स आई निकालना ही पड़ेगा, यू आई निकालना पड़ेगा, यू आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए अपन के एच करने से, फिर एफ आई यू आई हमको निकालना ही पड़ेगा, निकाल लिया जाए, बोलो क्लास, लेस देन 10 का मतलब बताओ, 0 to 10 फ्रिक्वेंसी कितना, 14, लेस देन 20 मतलब 10 से 20 के बीच में, ठीक है, लेस देन 20 में 20 से कम टोटल फ्रिक्वेंसी का समेशन 22 है, मुझे बस इस क्लास का फ्रिक्वेंसी चाहिए, ऊपर वाली क्लास घटा दो, कितना हो जाएगा बोलो, 8 हो जाएगा, समझ गए, अब बोलो 20 से 30 वाले, 37 में से 22 घटा दो, कितना, 15 हो जाएगा ना, 30 से 40 वाले का चाहिए, 21 हो जाएगा, घटा देना 58 से 37, 40 से 50 वाले की फ्रिक्वेंसी चाहिए, कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, इसमें से इसमें माइनस कर देना, अब 50 से 60 वाले का चाहिए, तो 75 में से 67 माइनस कर दो पिछला, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हो जाएगा, एक्स आई कैसे निकलेगा, 5 हो जाएगा, 20 10 30 का आधा कितना, 15, 10 का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा, 25, 35, 45, 55, यू आई कैसे निकालोगे, बीच वाले को ए मानोगे, बीच वाला क्या मान लो, 25 को ये मान ले रहा हूँ, 25, अब 5 में से 25 घटा हो गया, 20, एच कितना है, 20 में से 10 गया, एच कितना बोलो, भाई 10 और 20 में से 10 जाएगा, 10 है ना जी, या 10 में से जुड़ जाएगा 10 है ना, एच कितना आ गया 10, देखो यहाँ पर एक्स आई की मान कितना, 5 है, अब माइनस 25 घटा हो गए, ए 25 घटा हो गया, कितना बचेगा, माइनस 20 बचेगा, लिख दूँ क्या,
पाँच माइनस 25 अपान के 10, तो माइनस 20 बटा के 10 माइनस 2। अब यहाँ पर 15, 15 में से 25 घटाओगे, 15 में से 25 घटाओगे, 10 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 बटा के 10 माइनस 10 ना, माइनस 1 जीरो होगा, आई प्लस 1 होगा, 2 होगा, 3 कर लेना, यही होगा। अब बोलो एफ आई वाई को मल्टीप्लाई करो, एफ आई इधर है, यू वाई इधर आ रहा है, माइनस 2 है ना, माइनस 28, माइनस 8 एकम 8, अरे 0, 21 एकम 21, 9 दूनी के है, बोलो 9 दूनी के 18, आगे बोलो कितना होगा, 8 तरीके 24, और सिग्मा एफ आई और बोलो प्लस वाला प्लस में जोड़ो, देखो 8 4 12, 12 1 13, 8 4 12 13, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 63, 8 8 16 37, 8 8 16 36 ना, 3 में से 6 गया 7 6 13, अब 5 में से 3 गया 2, चेक कर लो प्लस 27 सही ना, 8 4 12 1 13 और 2 1 3, 3 2 5 1 6 63 और 8 8 16 2 1 3 36, 3 में से 36 7 से 13 4 5 में से 3 2 27 कितना हो गया 27। फार्मूला बोलो क्या होता है, सिग्मा फाई बोलो कितना आएगा, सिग्मा फाई बोलो 9 8 9 8 17 17 और 17 इसमें से मतलब जुड़ा 18 18 18 20 कितना, 18 18 20 38 ना जी, 18 20 38 38 38 के बाद है कितना 15, चेक कर लो कितना आएगा, 75 75 आएगा, 75 आएगा, कितना आएगा 75, दिक्कत 75 हल कर दिए, चलो अच्छा सिग्मा एफ आई वाई कितना आया है, 27 हमारा 27 आया होगा, इसका छोड़िए फॉर्मूला लगाइए, एक्स पर बार बताइए क्या होता है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई वाई अपान के सिग्मा, यही ना होता है, ए पर कितना, ए कितना है 25, एच कितना 10, सिग्मा एफ आई वाई कितना है, सिग्मा एफ आई कितना है, काटे 3 9 27, तीन दूनी के 6, 3 5 15, 5 दूनी के 10, 5 5 25, तो 25 प्लस 9 दूनी के 18 बटा के 5, 25 प्लस, ठीक है नहीं राजेंद्र, हेलो हेलो हेलो, हाँ लकी बोलो, नमस्ते, हाँ बेटा आऊँगा, कब तक आएंगे, 4:30 तक आ जाऊँगा, 4:30-5 तक, ठीक है सर, ठीक ठीक 5 बजे तक आ जाऊँगा, तो ठीक है सर, वही थोड़ा सा मतलब कंप्यूटेशन में सॉल्व किए सर अपने से, मतलब कुछ प्रॉब्लम भी आया है, और अगर कम से कम 2 क्वेश्चन के राउंड सॉल्व कर रहे हैं तो फिर गणित का और जब स्टेट्स भी और सबसे टाइम भी नहीं पाया, ठीक कोई बात नहीं सॉल्व कर लो ना, ताकि जो परमिटेशन का अगला बता के कम्बिनेशन पहुंच जाएंगे, ठीक है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने का बेटा, ठीक है 4:30 तक कोशिश करूंगा, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक ओके, देखो तो क्या हो गया बोलो, अब 5 3 15 दशमलव, 3 30 5 6 30, 25 3 28 नहीं समझे, मीन आ गया, चेक कर लिया जाए, 28 दशमलव, मेरा भी 28 दशमलव, कुछ समझ में आया, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गया ना, माइनस 48 है, रीजन क्या कि 35 को माना है, भाई मैंने बताया जो डिवीजन का मीन निकलेगा नेगेटिव निकलेगा, घट जाएगा, नहीं समझे, ठीक हमारा प्लस 2 निकला, जोड़ दिया आसान और हुआ, समझ गया ना मीन कैसे निकल रहा है, स्टेप डिवीजन मेथड से, कोई दिक्कत, तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीख लिया बताओ, कि एज्यूम मीन मेथड से भी मीन कैसे निकालें और स्टेप डिवीजन मेथड से, ठीक है फार्मूला तो जरूर करते हो, उससे बता ही दिया हूँ।
निकल जाएगा। yes. तो हम लोग अब क्या पढ़ लेते हैं, मीडियन और मोड, ये आपका पूरा ओवर हो जाएगा। तो एक घंटा के अंदर मीडियन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साथ साथ मोड भी हो जाएगा। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं बंद करते हैं।